بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. گزشتہ جمعہ میں میں نے انبیاء علیہم السلام اور ان کے معجزات کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، اور اسی سلسلے میں آگے بھی کچھ عرض کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ ہفتہ اس طرح گزرا کہ اس ہفتے کے دوران ملک کی ایک ریاست میں جہیز ہراسانی کی وجہ سے ایک دوشیزہ کی موت میں اور اس کی خودکشی میں پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس کے ماں باپ کی آہوں اور کراہوں کو میڈیا کے ذریعے سے پورے ملک کے انسانوں نے سنا، جس پر کوئی اثر نہیں ہونا ہے کوئی اثر نہیں ہوا، اور جن کے قلوب پر اثر ہوا ہوا اور لوگوں کی آہیں نکلی، ان کی چیخیں سنائی دی. ملک میں میں نے کل بھی دیکھا اور آج بھی دیکھا اخبارات میں کہ سارے ہی ملک کے علماء اور ائمہ نے آج کے اس جمعے کو جہیز اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو ہراساں کیے جانے کی بدترین عادت کی مذمت کرنے کے لیے مخصوص کیا، اور جنوب سے لے کے شمال تک سبھی کا غالباً اس جمعے کا موضوع یہی ہے، اور اسی مسئلے پر امت کو متوجہ کرنے کا علماء نے ارادہ کیا ہے. میں نے بھی اپنا چلتا ہوا موضوع چھوڑ کر کے مناسب سمجھا کہ اسی موضوع پر گفتگو کریں، اور کسی کے غم میں ہم اس حد تک ہی شریک ہو جائیں کہ اس عمل کی مذمت کو ہم نے بیان کیا اور لوگوں کے سامنے اس کو برا قرار دیا. خودکشی اسلام میں ایک حرام عمل ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے، حتیٰ کہ اگر مجاہد بھی خودکشی کرے تو جہنم ہی میں جاتا ہے. یہ بدترین عمل ہے، بہت بڑا گناہ ہے. صحیح بخاری کتاب الجہاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، کسی کی ایک خبر کے جواب میں، کہ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ایک جنگ کے موقع پر کہ فلاں مسلمان بہت بہادری اور جسارت و جرت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور بڑی بے جگری سے بے دریغ دشمنوں کی صفوں میں گھس رہا ہے اور کافروں کو مار رہا ہے،
हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया, हुआ मिन अहलिन नार, वो जहन्नमियों में से है। आपकी इस खबर से रावी कहते हैं कि सहाबे किराम को गिरानी, यानी एक इतना अच्छा इंसान और ऐसा ज़बरदस्त मुजाहिद और ऐसा ज़बरदस्त जरी और शजीय और बहादुर इंसान, उसकी तारीफ़ की गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुन के फरमाया, हुआ मिन अहलिन नार, वो जहन्नमियों में से। तो ख़ुद सहाबी कह रहे रावी के सुनने वाले सहाबा को गिरा गुज़रा और उनको हुजूर अलैहिस्सलाम की ये बात सच्ची मानने के बावजूद दिलों पर बड़ी भारी हुई। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने सोचा कि एक तरफ तो खैर ही खैर नज़र आ रहा है और एक तरफ नबी की सच्ची ज़ुबान उसको जहन्नमी बता रही है, तो ज़रा मैं पीछा तो करूँ, देखूँ कि क्या वजह है कि नबी ने ऐसा क्यों फरमाया। तो कहते हैं कि मैं उसके पीछे लग गया, वो रुकता तो मैं रुक जाता, वो बढ़ता तो मैं बढ़ता, वो लड़ता तो मैं उसके साथ होता, वो दाहने बाएँ होता मैं भी दाहने बाएँ होता, हर हरकत पर नज़र रखते हुए उसका ताकुब करता रहा। यहाँ तक कि मैंने देखा कि बहुत दुश्मनों के मुकाबले में बहादुरी दिखाकर, बहुत से दुश्मनों को जहन्नम रसीद करके, खुद अपने लिए भी जहन्नम का सामान इस तरह उसने कर लिया कि जब उसको ज़ख्म आए और वो ज़ख्मों को बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसने अपना नेज़ा अपने पेट में घोप कर अपने आप को उस पर गिरा लिया और उसी की वजह से उसका दिल कटा और उसकी मौत आई। जब उन्होंने देख लिया कि इस शख्स ने खुदकुशी की है, ये शहीद नहीं हुआ है, तो यकीन आ गया कि नबी की खबर बिल्कुल सही थी और उन्होंने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा हुआ है, मैं मुसलसल निगरानी करता रहा, उसका अंजाम ये हुआ है। तो आपने खुद ज़ोर से फरमाया, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल, गलत बात नहीं बताता, सही बात बताता। तो ख़ुदकुशी तो इतना बड़ा गुनाह है कि नबी की कमांडिंग में नबी के साथ जिहाद करने वाला भी इतनी खिदमत करके इस्लाम की, फिर भी अपने आप को जहन्नम में ले गया ख़ुदकुशी की वजह से। अल्लाह के नबी की सच्ची खबर ने, ज़बान ने खबर दी, हुआ मिन अहलिन नार, वो जहन्नमियों में से। फिर हुजूर ने अपनी इस खबर के सही होने पर अपने रसूल होने की शहादत अपनी ज़ुबान मुबारक से दी। अब रह गया ये सवाल कि उसने इतने अच्छे अच्छे काम भी तो किए, इस्लाम को इतनी ज़बरदस्त मदद भी तो पहुँचाई। उस गलत फहमी को दूर करने के लिए आपने उसके आगे ये इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह लयुअय्यिदु हाज़द्दीन बिर्रजुलिल फाजिर, अल्लाह ताला किसी गुनहगार से भी इस उम्मत की मदद करा लेते हैं, फाजिर फासिक से भी इस उम्मत का काम अल्लाह निकालते हैं, इस दीन की मदद कराते हैं। लयुअय्यिदु हाज़द्दीन, इस दीन की मदद और ताईद बिर्रजुलिल फाजिर, किसी गुनहगार और फासिक से भी करा लेते हैं अल्लाह ताला। तो ये सारी तफसील बता रही है कि ख़ुदकुशी मामूली गुनाह नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। नबी ने राह खुदा में इतना काम करके भी ख़ुदकुशी करने वाले को जहन्नमी ही फरमाया है। ये और बात है कि वो मोमिन है, उसकी मगफिरत एक दिन ज़रूर होगी, लेकिन गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। ये एक पहलू है ख़ुदकुशी की मज़म्मत को समझने के वास्ते, और इसकी बुराई और इसकी मज़म्मत अपने घरों में अपनी औरतों, अपनी बच्चियों और अपने बच्चों को समझाने के वास्ते। ये मैंने बताया आपको कि ख़ुदकुशी बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत काबिल मज़म्मत अमल है और उसका अंजाम जहन्नम है नबी की खबर के मुताबिक। लेकिन इस किस्म के वाक़ियात में ये पहलू उससे ज़्यादा अहम और गौर करने का है कि ख़ुदकुशी करने वाले मज़लूम हैं और मज़लूमियत उन्हें इस इंतहा को पहुँचाए। मोमिन को चाहिए कि कितनी भी मुसीबत आए वो सब्र से काम ले,
खुदकुशियों का सबब या तो गुस्सा होता है या फिर बेसब्री होती है। हालात को बर्दाश्त नहीं कर सके और आसानी इसमें देखी कि अपने आप को अपनी जान लेकर ख़त्म कर दिया जाए, ये बेसब्री है। और गुस्सा, बाज़ दफ़े आदमी खून खोल जाता है किसी मामले में, तबीयत में गुस्से में शिद्दत होती है, हिद्दत और गर्मी होती है, सोचा ना समझा और अंजाम को गौर नहीं किया और खुदकुशी कर बैठा। तो या तो गुस्सा इसका सबब बनता है या बेसब्री इसका सबब बनता है। और इस्लाम में बेसब्री भी बदतरीन गुनाह है और गुस्सा भी बदतरीन गुनाह है। बेसब्री करके क्या करेंगे, सब्र ही वाहिद रास्ता है, बेसब्री कोई हमें नफ़ा नहीं पहुंचा सकता। इसलिए इस्लाम सब्र की तालीम देता है, सब्र सिखाता है। मसाइल में मुश्किलात में, आसमानी आजमाइशों में, सुल्तानी इब्तलाआत में, हर हाल में आदमी को चाहिए कि वो सब्र का दामन मजबूत रखे और सब्र का दामन हाथ से छूटने लगे। दूसरे, गुस्सा वो जहन्नम की आग का असर है। इंसान के जिस्म में जो आग है, इंसान का जो खमीर है वो आग भी है उसमें। इंसान के जिस्म में जो आग है, ये आग भड़कती है, किसी के जिस्म में ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। जो गुस्से वाले होते हैं उनको चाहिए कि भाई वो अल्लाह का दीन का इल्म रखने वालों से मशवरा करें, उलमा से मालूम करें, पूछें, औरतें हों या मर्द, अपने इस गज़ब का कैसे इलाज किया जाए। सहाबा में भी बाज़ लोगों को बहुत गुस्सा आता था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को देखा कि गुस्से से उसके मुंह से झाग निकल रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ, अगर वो इस वक्त इसको पढ़ ले तो वो अपने गुस्से पे काबू पाए। पूछा क्या क्या है, फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, इसको पढ़ ले तो इस पर काबू पा जाए। तो गुस्सा तो आता था ना, हदीसों में है कि गुस्सा आ जाए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, तो गुस्सा आता था होगा ना। उस जमाने के लोगों को भी आता था, नबी के सहाबा और मुसलमानों की जमात में भी बाज़ गुस्से वाले थे। फितरी चीज़ है, कम ज़्यादा होता है, सब में होता है, लेकिन इस गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर कैसे काबू पाया जाए। यही गुस्सा तो रिश्ते तोड़ता है, यही गुस्सा तो तलाक तक पहुंचाता है, यही गुस्सा तो जिंदगियां बर्बाद करता है, यही गुस्सा तो बच्चों को बेसहारा बना के रख देता है, यही गुस्सा छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप से बगावत करके सड़कों पर फिरने और जगह जगह जाके मजदूरियां करने और जिल्लतें उठाने पर आमादा कर देता है। गुस्सा हर बुराई की जड़, हर नुकसान का सबब। ये गुस्सा हमारे अंदर अल्लाह ने किसी मसलहत से रखा है, उसका न होना भी हमारी इंसानियत को नाकिस बना देता है। इसलिए उसको रखा गया है, पर उसको यूज़ कैसे किया जाए, कब किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, कहाँ किया जाए, कहाँ ना किया जाए, इसकी तालीम भी किताब व सुन्नत में दे दी गई है। उसकी रोशनी में अपने आप की इस्लाह करना और अपनी इस सिफत पर काबू पाना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये सिखाना है। आप अपनी बेटियों को डिग्री दिलाएं, आप अपनी बेटियों को MBA बनाएं, इंजीनियर डॉक्टर बनाएं, सब बनाएं, पर इंसानियत ना सिखाएं, सिफात मुहम्मदी से आरास्ता ना करें, एक इंसान के जो अच्छे अखलाक हैं उन अखलाक की तरबियत ना करें। और ये गुस्सा भी उसके अंदर बेकाबू हो, हसद हो, हिक्द हो, गिल और कीना और कपट हो, जिस पर काबू पाना उसको नहीं आता हो, तो फिर वो समाज में इस किस्म के हादसात पेश आएंगे और पेश आते रहेंगे। मसले का एक हल नहीं। उसके बाप को मैं सुन रहा था कि उसने कहा कि अब मेरी बच्ची तो वापस नहीं आएगी, उसे छोड़ो, गई और गई,
मैं रो लूँगा जितना रोना है और बर्दाश्त कर लूँगा। खो दिया मैंने अपनी दौलत को और अपनी बेटी को, लेकिन कौम की बेटियों को बचाओ। ये उसका पैगाम था मीडिया से, लोगों से। मगर सवाल यह है कि कौम की बेटियाँ कैसे बचाई जाएंगी? क्या एक जालिम को मौत की सज़ा दे दी जाए तो दूसरी बेटियाँ बच जाएंगी? कैसे बचाया जाएगा? कानून बनाया हुकूमत ने, क्या कानून से मिल्लत की बेटियों को फ़ायदा पहुँचा? और ऐसे 20 कानून बना लिए जाएं, 100 बना लिए जाएं, इन कानूनों से क्या होगा? गुस्सा कानून से नहीं डराता है, गुस्सा ये कहता है कि जो होता है होने दो। लोग लड़ाई झगड़े में कहते हैं जेल में बैठ जाऊंगा, फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मगर बदला लेके रहूंगा और ऐसा करके रहूंगा। और यही लड़कियां कह रही हैं कि हम तलाक ले लेंगे, हम जेल में चले जाएंगे, हम कुछ कर लेंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, हम कुएं में छलांग लगा लेंगे, हम ये कर लेंगे, मगर ये काम करके रहना है। ये गुस्सा, ये गुस्सा है। गुस्सा छोटे छोटे बच्चों में आ गया है और यही गुस्सा हमारे समाज को जलील कर रहा है, रुसवा कर रहा है। गुस्से से कत्ल के वाकयात हो रहे हैं, गुस्से से खुदकुशी के वाकयात हो रहे हैं। तो मेरे अजीजों, दो चीज़ें हैं, बेसब्री सबब बनेगी खुदकुशी का या गुस्सा सबब बनेगा खुदकुशी का। और दोनों मजमूम सिफतें हैं, पूरा कुरान हदीस भरा पड़ा है गुस्से की मजम्मत में और बेसब्री की मजम्मत। हमने सब्र नहीं सिखाया, हमने हिल्म नहीं सिखाया। बेसब्री के मुकाबले में सब्र है, गुस्से के मुकाबले में जब्त है, बर्दाश्त की ताकत। हर इंसान सीख ले तो उसे बर्दाश्त करना आता है। हमारे आका को लोगों ने कितना परेशान किया, बज़ाहिर जिसको जिल्लत कहते हैं, जलील करके भी देखा लोगों के सामने। जलील का मतलब है बड़े बड़े मर्तबे वाले आदमी को अदना तौहीन भी कर दो तो उसके लिए तो बहुत बड़ी जिल्लत है। हुजूर अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने एक मामूली इंसान ने, बल्कि बेईमान ने तक आपको जलील करके देखा, आपके जज्बात को छेड़ के देखा, हर वो काम करके देखा जिससे गुस्सा आता है आदमी को और वो बेकाबू हो जाता है। लेकिन कभी नबी को बेकाबू होता हुआ किसी ने नहीं देखा, किसी ने बेकाबू होता हुआ नहीं देखा। इन्हीं तजुर्बों के बाद यहूदी ईमान लाए, क्योंकि तौरात में आपकी सिफत ये लिखी थी, उनको जितना छेड़ो उतना ज्यादा बर्दाश्त करना सामने आएगा, जितना छेड़ के देखो उतना सब्र सामने आएगा। ये तौरात में आपकी सिफत थी। यहूदियों ने आपसे गलत मामले करके इस सिफत को परखा और जब सच्चा पाया तो ईमान भी ले आए और गुलामी भी कबूल कर ली। हम उनकी उम्मत हैं, हमारी बेसब्री का क्या हाल है? हमारी बेसब्री किस किस अंजाम को पहुंचा? कई लोग ऐसे हैं जिनके तलाक के मामलात आते हैं तो उसमें जब हालात उनको बताने के लिए कहा जाता है कि क्या हुआ क्या हुआ, तो बाद दफ़े औरतें बताती हैं कि साहब कम से कम 10 दफ़े, कम से कम 15 दफ़े वो मुझे तलाक दे चुके हैं। 15 दफ़े देने के बाद भी कैसे बीवी बाकी रह गई भाई? तो एक दफ़े देने के बाद अलाहिदगी हो जाती है, रुजू करने की गुंजाइश है, एक ही तलाक दी है तो रुजू कर सकता है, नहीं किया तो आगे बढ़ गई बात, फिर उसने दूसरी तलाक दे दी, फिर तीसरी मर्तबा दे दी, तो अब गुंजाइश ही कहाँ बाकी रह गई? इसके बाद गुंजाइश ही कहाँ बाकी रह गई? लेकिन वो इत्तला दे रहे हैं, लिख के भी दे रहे हैं कि साहब अब तक कम से कम 10 मर्तबा मुझे तलाक दे चुके होंगे, अब हम उनको नहीं बर्दाश्त करना है, अब हमको नहीं जाना है, नहीं रहना है। तो 3 के बाद कैसे रह रही थी? उसके बाद कहाँ से गुंजाइश थी रहने की? मगर जहालत है, जहालत की वजह से सब चला रहे हैं काम अपना। तो क्यों देता है ये बार बार तलाक? ये तलाक दे दूंगा, ये छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्या है ये? ये गुस्सा नहीं तो और क्या है? अरे भाई गुस्सा ना, गुस्से में काबू होता तो जबान से वो बात कहता जो नहीं कहनी चाहिए वो ना कहता, और जो कहनी चाहिए वो कहता।
डांटता, खफा होता, कुछ भी करता, लेकिन जबान से ऐसी बात तो ना बोलता जो उसकी जिंदगी को तोड़ दे। गुस्सा, गुस्सा, ये गुस्सा बदतरीन बला है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कुछ नसीहत खास फरमा दीजिए। फरमाया, ला तगज़ब। उन्होंने कहा, कुछ और? ला तगज़ब, कोई और बात भी फरमा दीजिए। फरमाया, ला तगज़ब, तीनों दफे भी यही बात कही, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। रावी कहते हैं, अगर मैं और भी पूछता तो आप यही दोहराते रहते, ला तगज़ब, ला तगज़ब, ला तगज़ब, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, यही वसीयत है मेरी, यही नसीहत। हमारे नबी हमको नसीहत किए हैं, हमें उनकी नसीहत की क्या परवाह है? क्यों कहा आखिर बार बार इसको? इसीलिए ना कि ये नादान गुस्से में क्या क्या नुकसान उठाएगा। अब मेरा उम्मती है, नुकसान उठाएगा, तकलीफ मुझे होगी। इसलिए हुजूर फरमा रहे, मत करो गुस्सा, मत करो गुस्सा, मत करो। लेकिन गुस्सा तो, खुदकुशियों के दो सबब होते, एक सबब है सब्र ना कर सकना और एक सबब है गुस्से का काबू से ज़्यादा हो। इन दो सबबों में से आम तौर से लोग खुदकुशी करते हैं। लेकिन यहाँ जो दूसरा पहलू भी गौर करने का है और बहुत अहम है, वो ये है कि आखिर बेसब्री किसी ने की तो किसी जुल्म पर, किसी ज़्यादती पर, किसी मुसीबत ही पर की होगी। अगर ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से आई है तो उस मुसीबत पर सब्र न करना बहुत बुरी बात है, और अगर ये मुसीबत इंसानों की तरफ से आई है तब भी बेसब्री बुरी बात है, लेकिन वो मुसीबत लाने वाला इंसान वो भी तो मज़मूम है, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। वो कहाँ से हुई? एक किसी की बेटी, किसी की भी होगी बेटी है, अगर उसने खुदकुशी की है जहेज के मुतालिबों से आजीज होकर, तो यह जालिम कितना बड़ा जालिम है। इस जालिम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उसको मार डाला जाए, मुल्क में कातिल अगर इस्लाम होता तो कातिल का की सजा कत्ल ही है, उसे कत्ल कर दिया जाता, उसे नमूने इबरत बना दिया जाता। जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह कहकर उसको लोगों के लिए इबरत बना दिया जाता, लेकिन ये सज़ा तो मिलती नहीं इस मुल्क के अंदर। हर आदमी को इत्मीनान है कि बहुत से बहुत केस बनेगा, और वो केस बनेगा तो 10-20 बरस तो जी ही लूँगा, इसलिए कि हमारे मुल्क में फैसले होते नहीं हैं, वक्त पर किसी को सज़ा मिलती नहीं है। बात आ गई और पुरानी हो गई, लोगों के गम गलत हो गए, हादसात भुला दिए गए, तब कहीं 20 साल पहले की, 30 साल पहले की खबर आती है कि फलां को फलां जुर्म में फांसी की सज़ा दी जा रही है। कोई रहा ही नहीं जिसको खुश करना है, कोई रहा ही नहीं जिस मजलूम के दिल के दुख को दूर करना है, वो रहा ही नहीं दुनिया में। अब उसके बाद सजा दी जा रही तो क्या उसको खबर में इसकी इत्तला मिल के खुशी होने वाली? सजा तो उस वक्त मिलती जब किसी का दिल दुखा है और उस दुखी दिल को सुकून दे दिया जाता। इस्लाम में फौरन फौरन फैसले हैं और इस्लाम में फौरन फौरन सजा दी जाती है, ये तो है नहीं। लेकिन अगर दे भी दी जाए तो क्या होगा? क्या खत्म हो जाएंगे जराए? क्या हादसात खत्म हो जाएंगे? क्या ये भिखारियों का भीख मांगना बंद हो जाएगा? घर घर भिखारी मौजूद है, घर घर मांग के खाने वाला मौजूद है, वो भी अपनी बीवी से। बेशर्मी की इंतहा, बेहयागी की इंतहा है कि औरत से मांग के आदमी खाए और औरत पर डिपेंड है। कुरान में मर्द की फजीलत ही इसको बयान किया गया है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई, मर्द औरतों पर हाकिम हैं और उनके मुसलह और उनके संभालने वाले हैं, उनकी गाड़ी जिंदगी की चलाने वाले हैं। कव्वाम के बहुत माना है। क्यों है औरत को क्यों नहीं बना दिया गया? मर्द को क्यों बनाया गया? आखिर वो भी तो इंसान है, औरत को भी तो बनाया जा सकता था कव्वाम। इसलिए है
बिमा फ़ज़ल्लाहु बाज़हुम अला बाज़िन व बिमा अन्फ़क़ू मिन अमवालिहिम। दो वजहों से बजाय औरत के मर्द को घर का हाकिम और औरत का सरपरस्त बनाएगा। दो वजहों से, एक फितरी वजह है कि अल्लाह ने पैदा किया है मर्द को कामिलुल अक्ल और मर्द को कुव्वत वाला, ताकत वाला और अच्छे बुरे को अच्छी तरह समझ सकने वाला मजबूत दिल का मर्द को अल्लाह ने बनाया। औरत रकीकुल कल्ब है, नरम दिल है, जल्दी मुतासिर होने वाली है, जल्दी हैबत खाने वाली है, इसलिए उसके मुकाबले में बिमा फ़ज़ल्लाहु बाज़हुम अला बाज़िन, अल्लाह ने तख्लीक़ में किसी को किसी पर फजीलत दी है, इस वजह से मर्द को कव्वाम बनाया। और एक वजह ये, और वबिमा अन्फ़क़ू मिन अमवालिहिम, और इस वजह से कि वो अपने माल अपनी बीवी पर खर्च करता है, अपने बच्चों पर खर्च करता है, अपना घर अपनी कमाई से चलाता है। वबिमा अन्फ़क़ू मिन अमवालिहिम, ये सबब है मर्द को औरत के ऊपर फजीलत दिए जाने का, ये सबब है घर की जिम्मेदारी और फैमिली की जिम्मेदारी मर्द के सपुर्द करने का, ये सबब है। वबिमा अन्फ़क़ू मिन अमवालिहिम, और अगर वो उसी से मांग के खाता है तो उसकी क्या इज्जत है, उसका उसको मर्द बनने का क्या हक मिला हुआ है, क्या फजीलत है। एक तो है कि अल्लाह ने मर्द बनाया था पर उसने अपने बड़ेपन को खुद ही कायम नहीं रखा, खुद ही खत्म कर दिया। ये भीख मांगना, और इसका नाम जहेज क्यों रखा गया, क्यों जहेज रखा है लोगों ने इसका नाम, इसको भीख मांगना कहिए, साफ लफ्जों में भीख मांगना कहिए, छोड़ दो जहेज बोलना, इसको कोई जहेज वहेज नहीं है, ये सब भीख मांगना है। भीख मांगना है सवाल की जिल्लत में मुब्तला होना। क्यों मांग रहे हैं आप, क्यों मुतालबे कर रहे हैं, आप मर्द हैं या औरत हैं। अगर आदमी में मर्दानगी नहीं है तो हाई कोर्ट के पीछे एक कबीला रहता है, वहां जाके नाम लिखा ले, उन्हीं लोगों के साथ भीख मांगे, सड़कों पे नाच नाच के भीख मांगते हैं, भीख मांग के जिंदगी गुजारो। और अगर मर्द हो तो मर्दानगी का सबूत दो। हम जैसे भी हैं आपकी बेटी को परवरिश कर लेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, ज़रूरियात पूरी करेंगे, हमारी ज़्यादा हैसियत हो या कम हो, जो भी अल्लाह ने दिया इसमें हम अपनी तरह अपने घर के एक और फ़र्द की तरह एक जायद फ़र्द समझकर अपने घर में उनके साथ हम इसी तरह गुजर बसर करेंगे। बल्कि दूसरे के घर से आई हुई पराई बेटी होने की वजह से ज़्यादा लिहाज और ज़्यादा ख्याल कर लेंगे उसका। लेकिन हमें चाहिए कुछ नहीं, हम इस बेटी को चाहते हैं, हमें बेटी दो और कुछ नहीं चाहिए। यह हौसला पैदा करे हमारे जवान, यह हौसला पैदा करे इन जवानों की माएँ, ये औरतें गंजे अजदहों की तरीके से लड़कियों के घरों में जाके अपने मुतालबात पेश पेश करके आती रहती, अजदहे हैं, समाज को डसने वालियाँ हैं। और बहुत से मर्द भी बेगैरत हैं जो सवाल करते हैं, क्यों मांग रहे हो, मांगना सवाल करना जायज़ है। हदीस में, हदीस की किताबें पढ़ो, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, मिश्कात शरीफ में, मुस्तकिल उलमा ने मुहद्दिसीन ने अबवाब कायम किए हैं। किताबुल ज़कात में उलमा जानते हैं, किताबुल ज़कात में जहाँ ज़कात के अहकाम बयान किए हैं और जहाँ ज़कात देने के अहकाम बयान किए हैं और जिनको ज़कात देना चाहिए उनकी हैसियतें मुतय्यन की हैं कि किन किन को देना चाहिए, वहीं पर ये अबवाब भी कायम किए हैं कि अगर आप लेने के काबिल हो तब भी मांगने की जिल्लत से अपने को बचाओ। बेशक ढूंढ ढूंढ के हर मुस्तहिक को देना चाहिए, बेशक हर ज़रूरतमंद को देने की तरगीब की दी गई है और उसकी हिम्मत अफजाई की गई है, लेकिन इधर गुरबा को भी कहा गया है कि मांगो नहीं, मांगना जिल्लत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सवाल न करने पर बैत ली है। हकीम इब्ने हिजाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
फरमाते हैं कि मैं एक दफ़े हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया, बुखारी शरीफ में तफसील से वाकया है, मैंने आपसे कुछ मदद मांगी तो आपने मेरी मदद कर दी, एक दफ़े और गया तो आपने मेरी मदद कर दी, फिर एक दफ़े में गया कि कुछ मदद कर दीजिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठो हकीम यहाँ और सुनो, आदमी का एक रस्सी लेकर और दराती लेकर जंगल में चले जाना और वहाँ से घास या लकड़ी काट के उस रस्सी से बांध के बस्ती में लाना और उसे फरोख्त करके अपने घर का चूल्हा जला लेना किसी से मंग के खाने से बहुत बेहतर है। और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से अहद किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आज के बाद ना आपसे सवाल करूँगा ना किसी और से सवाल, कभी नहीं करूँगा, पूरी ज़िंदगी में सवाल नहीं किया किसी से। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ माल तकसीम किया, तमाम सहाबा को दिया, हकीम का भी हिस्सा निकाला, हज़रत हकीम इब्न हिज़ाम बुलाए गए, वो आए और उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ़ कीजिए, मैं नबी से अहद किया हुआ हूँ कि सवाल नहीं करूँगा, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगूँगा, मैं नबी से अहद किया हुआ। हज़रत उमर के ज़माने में उन्होंने जिहाद किया, जिहाद में बहुत माल गनीमत आया और वो माल गनीमत मुजाहिदीन में बांटा गया, हज़रत हकीम का हिस्सा रखा हुआ था मस्जिद में, बुलाया गया अपना हिस्सा ले जाओ भाई, ये गनीमत में अल्लाह का दिया हुआ तुम्हारा हिस्सा है। हज़रत हकीम ने कहा कि मैंने नबी से अहद किया है मैं मखलूक के हाथ से कुछ नहीं लूँगा, मैं सब अल्लाह से लूँगा, मुझे माफ़ कीजिए अमीरुल मोमिनीन, मैं नहीं लेना चाहता आपका दिया हुआ कुछ। हज़रत उमर ने कहा लोगों गवाह रहो मैंने तो दे दिया था मगर ये खुद ही नहीं ले रहे, इसका ऐलान करके लोगों को गवाह बना दिया, पर उन्होंने लिया नहीं। एक दफ़े नबी को ज़ुबान दी थी या रसूल अल्लाह आज के बाद बैरुल्लाह से सवाल नहीं करूँ, हालांकि ज़रूरत पे करने की इजाज़त थी, इसके बावजूद नहीं किया। अहद लिए हुजूर ने बैत में कराया बाद सहाबा से, अला तुबायउनी, क्या तुम लोग मुझसे बैत नहीं करोगे? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह किस चीज़ पर बैत करें? फरमाया इस बात पर बैत करो कि शिर्क नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे और कुफ्र की तरफ नहीं पलटोगे, चाहे कितना भी जुल्म हो जाए, और किसी से सवाल नहीं करोगे। सवाल नहीं करने पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अहद लिया, बैत ली सहाबा किराम से, उन्होंने कहा हाथ बढ़ाइए हम इस बैत के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने बैत की और इतनी गैरत के साथ इस बैत को याद रखा, इतने गैरतमंद थे सहाबा। इस बैत में शरीक एक सहाबी ऊँट पर सवार कहीं जा रहे थे, हाथ से नुकेल यानी वो रस्सी जिससे ऊँट को कंट्रोल किया जाता है, वो हाथ से छूट के नीचे गिर गई। ऊँट को बिठाना फिर खड़ा करना बड़ा लंबा काम है और बहुत मुश्किल काम है, और रास्ता चलने वाले आदमी से कह देते कि भाई ज़रा उठा के दे देना, तो कोई उठा के दे देता उनको, उन्हें ऊँट बिठाना नहीं पड़ता फिर खड़ा करना नहीं पड़ता, लेकिन कोई आदमी देने के लिए आगे बढ़ रहा है उसे भी रोक दिया और अपने ऊँट को बिठा लिया, और बिठा करके खुद ही उठाया और फिर चढ़े और फिर खड़ा कर लिया। इतनी जहमत गवारा की लेकिन कहा हमने नबी से बैत की है कि सवाल नहीं करेंगे, ये भी एक सूरत है सवाल करने की, इसलिए मैं किसी से नहीं मांगता। मौत तक कभी सवाल नहीं किया। सवाल तो क्या, सवाल जैसे काम से भी बचे रहे, यहाँ हीले हवाले करके हम कह रहे हमें नहीं नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, फिर कोई खाला को भेज के मांग रहे हैं, कई चाची को फूफी को भेज के मांग रहे हैं, कभी बहन दोबारा जा रही है मिलने के लिए, वो जा करके उनको डरा धमका के आ रही है हमारे बच्चे भाई के लिए ये करो वो करो वो करो, ये भीख मांगना है भाई, सड़क पर भीख मांगने वाला जलील नज़र आ रहा है, और आप सूट बूट में जा करके दीवान खाने में बैठ के उनकी बिरयानी लूट करके उनका खाना खा करके उनका खर्चा करा के अपनी लिस्ट पेश कर गया, और किस कदर बेहया और बेशर्म हो गए लोग, बाजारों में मुतालबात की लिस्टें छपी हुई
अब किसी ने मुझे कहा तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने एक तालिबे इल्म से कहा कि देखो चार मीनार पे जाओ, बाज़ार में अगर कोई लिस्ट मिलती है तो ले जाओ जहेज़ के मुतालबात। तो वो ले के आया, खूबसूरत फोल्डर एक छपा हुआ, कवर में रखा हुआ, नहायत खूबसूरत, जैसे आप गिफ्ट कवर हो, आप कोई हदिया दे रहे हो किसी, ऐसे कवर में लिस्ट रखी हुई और छपा हुआ है सब लाया इनसे क्या क्या चाहिए। नंबर एक, कुरान करीम बातरजमा, और नंबर दो, मुसल्ला जानमाज मखमली काली, और नंबर तीन से फिर वो सारी चीज़ें जो इसके घर की ज़रूरत की, एक एक चीज़ ज़रूरत की उसमें लिखी हुई, एक एक चीज़ ज़रूरत की लिखी हुई। अब बस इतना करना है कि किसी को ज़्यादा सलीका ना हो तो खुद पढ़ ले, जिसको टिक लगाना है वो टिक लगा के कवर में रख के किसी के साथ भेज दे उनके घर। पहले दावत उड़ा के आए या बच्ची को अपनी बना के आए, अब फिर उसके बाद लिस्ट भेज दे उसके घर कि भाई इतनी बच्ची नहीं चाहिए, इसके साथ ये पूरा सामान चाहिए, ये पूरा सामान। अब लोग पढ़े लिखे हैं, कहा जा रहा है कि जो है डार्क पीरियड चला गया है, अब ये बहुत लाइट पीरियड है, रोशन मुनव्वर ज़माना है। इस मुनव्वर ज़माने में लोग तालीम याफ्ता हैं, दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं, इज्जत वाले हैं, हैसियत वाले हैं, तो जहेज नहीं ख़त्म हुआ, अभी तक नहीं ख़त्म हुआ, सब आ गया लेकिन जहेज का मुतालबा बाकी, मुतालबा बाकी। कभी सहाबा में तसव्वुर नहीं था कि लड़की की तरफ से कुछ मिलेगा, सहाबा में कभी तसव्वुर नहीं था। सहाबा ये समझते थे कि निकाह करना है या रसूल अल्लाह क्या करें, आप पूछते थे कुछ है तुम्हारे पास, तो कुछ भी नहीं है, कैसे करूँ, कुछ भी नहीं, घर में भी कुछ नहीं, का एक चमड़े का बिछोना है, वो बिछोना हम लोग बिछा लेते हैं रात को उसी पे सो जाते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसी को मंगाया, उसी को बिकवा दिया, उसी को बिकवा दिया हुजूर अलैहिस्सलाम। हजरत अली करमल्लाहु वजहू, उनको भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ज़िरा दी थी और हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने वो ज़िरा फरोख्त की और उसके जो पैसे आए उस पैसे से अपनी शादी का इंतज़ाम किया, अपने वलीमे का, अपने मेहर का इंतज़ाम किया। अब वो हज़रत अली की शादी का ही निकाले हैं हम लोग बहाना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक चक्की दी थी, एक गढ़ा दिया था, एक खाट दी थी चारपाई, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक तकिया दिया था और एक लकड़ी गाड़ी थी जिसके ऊपर कपड़े लटका सके, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दो जहाँ के सरदार की बेटी जिसके लिए अल्लाह ने किया था, तुम चाहो तो मैं बतहाए मक्का को सोने की कर दूँ, पूरे पत्थर बतहा कहते उस ज़मीन को जहाँ छोटे 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 दूर तक पत्थर फैले हुए होते उसको बतहा कहते हैं, बतहाए मक्का को आपके लिए सोने की वादी बना दूँ। या मदीने में फरमाया कि चाहो तो उहुद के पहाड़ को सोने का पहाड़ बना दूँ। अगर नबी बनवा लेते अल्लाह से और अपनी बेटी को एक खजूर की लकड़ियों की खाट देने के बजाय सोने की पलंग देते तो हमारे नबी के लिए ज़रा मुश्किल नहीं था। आप नहीं दे सकते होंगे लेकिन नबी सब दे सकते थे, सोने की चांदी की ईंटों का घर बना के दे सकते थे नबी। जिसको अल्लाह ने ये पेशकश की थी उसको क्या मुश्किल थी, लेकिन उनके सीने में दिल था और वो सोचते थे मैं तो कर लूँगा लेकिन मेरे उम्मत के गरीब कहाँ से कर सकेंगे, और मेरे उम्मत के गरीबों के दिल टूट जाएंगे, उनकी बेटियाँ बैठी रह जाएंगी और वो बैचलर जनाजे उठ जाएंगे उन लोगों की और उनका कोई भी नहीं होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम को सब पता था क्या करने वाली ये उम्मत। आपने ऐसा सादा मुजाहरा किया कि एक सलम बस्ती में टूटी झोपड़ी में रहने वाला भी अपनी बेटी की शादी सैयदा फातिमा की शादी के मेयार से करके दे सकता है, उनके मेयार की शादी करके दे सकता है। और नबी के मेयार से ज़्यादा किसका मेयार है जिसको हम उसवा बनाएं, नमूना बनाएं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, लेकिन हम इसके लिए कहाँ आमादा हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। कहा जा रहा था जहेज़ जाहिलों के दौर में था,
तो पढ़े लिखे के दौर में कहाँ से आ गया, कितने हादसात हो रहे हैं, रोज रोज हो रहे हैं। एक आध वाक्या मीडिया में आता है वो इशू बनता है, लेकिन ये घर घर किस्से हैं, रोज रोज के किस्से हैं। कितनी बेटियां अनबयाही इसलिए बैठी हुई हैं कि उनका बाप होने वाले दामाद के मुतालबात को पूरा नहीं कर सकता। हर आने वाला कुछ अपने पीछे लगा के जा रहा है और वो उतना नहीं दे सकता। और सब्र करो, और सब्र करो, और सब्र करो। क्या रास्ते हैं हमारी बेटियों के वास्ते? या तो खुदकुशी करो, या कोई चाहने वाले गैर मुस्लिम मुस्लिम के साथ हराम कारियां करो और उनके साथ जिंदगी गुजारो। इन बदकारियों के और इन खुदकुशियों के जिम्मेदार हमारा नौजवान नहीं है, समाज के नौजवान इसके जिम्मेदार नहीं, उनके बाप इसके जिम्मेदार नहीं, उनकी माएं इसकी जिम्मेदार नहीं है, सब जिम्मेदार हैं। मत मांगो मेरे अजीजों, एक पाई मत मांगो, कुछ नहीं चाहिए हमें। और ये दिल से बोलो, दिल से दिखावे के लिए नहीं, दिल से बोलो। अगर आप भेजेंगे भी तो हम कबूल नहीं करेंगे। मैं इस लायक हूं कि एक पलंग बिस्तर खरीद लूंगा, एक अलमारी ले आऊंगा, हमारी जरूरत इस वक्त पूरी हो जाएगी, आगे जैसे जैसे जरूरतें बढ़ेंगी अल्लाह पाक में हमारा साथ देगा और हम कर लेंगे, घर गृहस्थी भी कर लेंगे आइंदा चल। साफ कह दो ना, साफ कह दे, इसमें कोई खोट नहीं होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बरसहा बरस से बोलते 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 आदमी को शर्म भी आती है, दूसरे को कहते कहते। अल्लाह ने तौफीक दी 40 बरस पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन की सरपरस्ती और तरबियत से मैंने निकाल लिया, लोगों को तकरीरें करता रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ भी नहीं लिया। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में बरकत अता फरमाई, औलाद अता फरमाई, औलाद को आंखों की ठंडक बनाई, नेक बनाया, दीन की खिदमतों की तौफीक दी, उम्र गुजर रही है अल्लाह के बंदों को हिदायत का सबब बनते हुए। ये सब किसी गरीब बाप के ऊपर बोझ न डालने की बरकत है। किसी गरीब बाप, मेरे खुसर मरहूम मजदूर थे, मजदूर आदमी थे, यौमिया आमदनी के ऊपर उनकी जिंदगी थी, रोज की मजदूरी ला के घर चला देते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला शानहु ने किसी गरीब बाप के बोझ न बनने की बरकतें अता फरमाई। अल्लाह ने लोगों के कुलूब में मोहब्बत डाली, अल्लाह पाक ने दीन की खिदमतों के बड़े बड़े मौके अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि किसी की दुआ है, आदमी का क्या कमाल है, किसी की दुआ है। बच्चे हमारे बड़े हुए, मैंने हर बेटे से ये कहा कि बेटा तुमको सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हारे कमरे में बिस्तर चाहिए, पलंग चाहिए, और एक अलमारी चाहिए तुम्हारे अपने कपड़े सामान वगैरह रखने के लिए। इससे ज़्यादा अभी तो नहीं चाहिए ना कुछ भी, अभी इतने पे इक्तफा करो, खुद कर लो इंतज़ाम। और किसी के घर से हम कोई चीज़ नहीं लाए, कोई चीज़ किसी के घर से नहीं लाए। और हमने ऐसी लड़की को देखा, ऐसी गरीब, मैंने उससे ये कहा तुम पैसा खर्च करोगे तो देखो तुम अपना माल खराब करोगे, अपना पैसा खराब करोगे, तुम्हारे घर की दहलीज से तुम्हारी बेटी के अलावा और कोई चीज़ नहीं जाएगी यहाँ से। अगर तुम पैसा खराब कर लोगे तुम जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं। और ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह करके लाने की तौफीक अल्लाह पाक ने दी। खुशहाल हैं, अल्लाह पाक खुशी की ज़िंदगी दे रहा है, कोई बहुत दौलतमंद तो नहीं है लेकिन खुशहाल, खुशी सुकून चैन ज़िंदगी में अल्लाह पाक अता फरमा। हर एक से मैंने यही कहा और हर एक से ही अमल कराया। और कुछ दूसरों के बच्चे जो हमारे ज़ेर परवरिश रहे, हमारी सरपरस्ती में रहे, उन सब के भी निकाह ऐसे करा के लाए और सबको खुश देख रहा हूँ, सब खुश हैं अपनी जगह पर। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदगियों में औलाद दी है, खुशियाँ दी हैं, राहतें दी हैं। करो, हिम्मत करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहे। मैं मिसाल अपनी तो नहीं देना चाहिए मगर इसलिए दे रहा हूँ कि आप 40 बरस से इस मस्जिद में मेरी तकरीरें सुन रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह ने तौफीक दी करने की भी और उस पर अमल भी किया और उसके बरकतें भी देख रहा हूँ और उसकी अल्लाह ताला की मददें भी देख रहा हूँ। आप भी करो, हिम्मत करके देखो अल्लाह कैसी मदद फरमाता है। ये झूठी बातें नहीं, सच्ची बात, नहीं चाहिए बस साफ सुथरी बात है। हम मेहर भी देंगे, हम वलीमा भी करेंगे, हम सब करेंगे, हम आपका बोझ नहीं बनेंगे, हम आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डालेंगे। ये नहीं,
और अगर कोई बहुत मोहताज हो, गरीब आदमी हो, उसकी कोई ज़राए खुद भी न हो और उसने मांगा भी नहीं है और कोई बोझ भी नहीं डाला, सफाई से मना भी कर दिया है, फिर भी अगर कोई उसको मिलता है तो उसका माल तो नहीं है वो। इस माल पर अपनी नीयत ख़राब मत करो। वो माल सब उसने अपनी बेटी के लिए दिया है, इसलिए उसका माल समझो, उसे अमानत समझो, उस पर नीयत ख़राब मत करो, उसे ज़ाया मत करो, बर्बाद मत करो, अपना अपना करो। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर में क्या कुछ नहीं था, हज़रत खदीजा के घर में, वो पूरे मक्के की सबसे दौलतमंद खातून थी। इस दौर में हम तसव्वुर नहीं कर सकते हज़रत खदीजा कितनी मालदार खातून थी, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत खदीजा के माल से ख़ुद फ़ायदा नहीं उठाया, अपनी कमाई से हज़रत खदीजा और उनके बच्चों को पाला हुज़ूर ने अपनी कमाई से, उन पर कोई बोझ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नहीं डाला, उनका जो कुछ था वो खैर खैरात करवा दिया, उनसे मिले ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया, उनसे मिली बांदियों को आज़ाद कर दिया, उनसे मिले माल को यतीमों, बेवाओं, गरीबों, मकरूज़ों के कर्ज़े अदा करने में खर्च कर दिया। बीवी के माल पे हमारे नबी ने नहीं अपनी रोटी से की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद मेहनत की, ये हमारे लिए उसवा हसना है। आज ऐसे क्यों वाक़ियात हो रहे हैं, सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। हमारी रियासत के बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना हमीदुद्दीन आक़िल हुसामी रहिमहुल्लाह इस किस्म के मौाक़े के ऊपर एक वाक़िया हैदराबाद का ही सुनाते थे और आंखों से आंसू निकल जाते थे, खुद रोते थे, मजमे को रुला देते थे, इतना दर्दनाक वाक़िया सुनाते थे। हजरत फरमाते थे कि यहाँ एक शायर थे, ग़ारिबन अमीर मीनाई, कोई गरीब आदमी थे, उन्होंने उनकी बेटी की शादी का मसला था, कोई भी आता लिस्ट ले आता, कोई भी आता मुतालबा, कोई भी आता मुतालबा, बेचारा कुछ नहीं कर सकता, सोच सोच करके, एक रहने का घर था अपना जाती, उस घर को फरोख्त कर दिया और उस घर को फरोख्त करके मांगने वाले की सारे मुतालबात को तकमील करके अपनी बेटी की शादी कर दी और घर में ये कहा, हम कहीं भी जी लेंगे, कैसे भी ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन अगर हम इन मांगने वालों को, अगर उनका दिल ठंडा नहीं करेंगे तो हमारी बच्ची मजलूम हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने घर बेच के सब कुछ मांगा हुआ दे दिया और बेटी की शादी करके दे दी। अकेली एक बेटी थी, जब ये बेटी उस घर में गई, वहाँ उसको इतने ताने मिले, तुम्हारे बाप ने क्या दिया, तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, तुम्हारे बाप ने वो नहीं दिया, और उसके साथ साथ खुद उस बच्ची को ये एहसास हुआ और उसने अपने शोहर से पहली रात में कहा मेरा अब्बा बेघर हो करके, मेरा अब्बा अपने आप को फुटपाथ पर ला करके आपके घर को सजाया है, ये घर आप लोग रख ले, मैं इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकती। उसी रात में खुदकुशी कर ली। सुबह बाप को पता चला कि उनकी बेटी मर गई है, तो वो आया घर में, आए पूरे घर को अपने दिए हुए सोफों से, अपने दिए हुए जहेज से, अपने दिए हुए सामान से सजा हुआ घर पूरा, और उसमें एक एक चीज़ अपनी दी हुई थी, और उसी पलंग पर, उसी बिस्तर पर उसकी जवान बेटी ये कह रही थी कि मैं बाप के गम को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बाप की जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उसकी लाश पड़ी हुई थी, बेसाख्ता उसकी ज़ुबान से निकला। अब आया ख्याल जाने मन इस नामुरादी में, अब आया ख्याल जाने मन इस नामुरादी में, एक कफन देना भूल गए थे बेटी की सामान्य शादी में। ये हो गया है आज हमारा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह हमें एहसास दे, अल्लाह हमारे सीनों में पत्थरों के बजाय दिल पैदा कर दे जो दूसरे की तकलीफ़ का एहसास कर सके और जो दूसरे के दुख को महसूस कर सके। आमीन व आखिर दावाना अल हम्दुलिल्लाह।